जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के चोगाम में आज सुबह पेश आया सड़क हादसा। जवानों से भरी बस पलटने से आईटीबीपी के 3 जवान जख्मी। पाक भारत सरहदी कशीदगी बरकरार, गोलीबारी का सिलसिला आज भी जारी। देर शाम हुई गोलीबारी में 2 शहरी हुए जख्मी। सेंट्रल जेल श्रीनगर के अंदर पुलिस और कैदियों के माबेन झड़पें, जेल के बाहर लोगों की नकलोहमल पर एहतियातन पाबंदियां आई। जम्मू के किसानों पर दोहरी मार, पहली मौसमी हालात और अब मंडियां न होने से हो रहा किसानों का नुकसान। किसानों को फसल के नहीं मिल रहे मुनासिब दाम। और जम्मू में सरकार की स्वच्छ भारत मुहिम फेल, शहर की सबसे पुरानी नहर पर गलाजत के ढेर, आवाम ने किया तश्वीश का इजहार, हुकाम खामोश। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज, अभी तक के उर्दू खबरनामे के साथ में आपका मेजबान आसिफ रशीद। पेश है खबरों की तफसील। सेंट्रल जेल श्रीनगर में गुजश्ता रात तो उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब जेल के अंदर कैदियों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जेल में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, जबकि नजदीकी इलाकों बिलखसूस नोहट्टा और खानियार में लोगों की आजादाना नकलो हरकत पर पाबंदियां आयद की गई हैं। जेल में मुबैना तौर पर गुजश्ता रात सूरत हाल उस वक्त कशीदा रुख अख्तियार कर गई जब एक बैरक पर मुरम्मती काम के पेश नजर एक पुराने बैरक में मुंतकिल किया गया और बाज कैदियों को कश्मीर से बाहर मुंतकिल करने की भी अफवाहें फैलने लगी। कैदियों ने एक आजी कयामगाह को भी आग के हवाले किया और उस दरवाजे तक जाने की कोशिश की जो पुराने शहर की तरफ खुलता है। वाकये के फौरन बाद पुलिस हुकाम और सीआरपीएफ की इजाफी कंपनियां जाए वारदात पर पहुंच गई ताकि हालात को काबू में लाया जा सके। दरियसना हुकाम ने जेल के बाहर आम लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदियां आयद रखी हैं। अब मैं खाना खा रहा था यहाँ पे ही, मेरा कजिन के पास आ रहा था तो खाना शुरू किया हमने, तो हमने शेलिंग देखी, बहुत सारा धुआं उठा था। हम बाहर आ गए, बच्चे भी बाहर आ गए, ये डरने लगे कि क्या माजरा है, कि आज तक यहाँ पे सेंट्रल जेल में ऐसी कोई वाका नहीं हुई है। तो फिर मैं बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पे जिप्सी बुलाएंगे शायद थाने से, तो यहाँ पे जो नीचे मैं खड़ा था वो सारे लोग आए थे, बाहर आए थे सारे बंदे, लेकिन हमें आगे आने नहीं दिया इन्होंने। तो फिर मसला ये हो गया कि हमें बहुत सारा धुआं देखा, तो सिक्योरिटी अंदर अभी कुछ नहीं पता है, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बारक में आग लगी है। मजीद तफसीलात के लिए हिलाल हंजूरी हमारे साथ हैं। हिलाल, क्या कुछ अपडेट्स पता चल पाया है, मजीद तफसीलात कुछ जेल के अंदर क्या हुआ है और अभी तक हुकाम की तरफ से क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, हुकाम का मानना है कि अब सब जो है मामला इसको नॉर्मल किया गया है। हालांकि अगर रात की बात करें तो जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जो सेंट्रल जेल के अंदर जो एक बैरक थी उसमें कुछ रिनोवेशन या कुछ रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर जो कैदियों ने एतराज जताया। और इस दौरान अगरचे पुलिस ने भी हरकत में आकर कैदियों को मुंतशिर करने की कोशिश की, क्योंकि कैदियों ने एहतजाजी मुजाहरा वहां पर शुरू किया था, तो उसके फौरन बाद ही एडिशनल ट्रुप्स को वहां पर बुलाया गया और उन्होंने जो कैदियां हैं उनको मुंतशिर किया। और इस दौरान दोनों के दरमियान स्कफल हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और हाथापाई के दौरान फिर माहौल खराब हुआ, जिसके नतीजे में फोर्सेस को फिर टेयर गैस शेलिंग करनी पड़ी और उन्हें मुंतशिर करना पड़ा। तो जो यहाँ पे कुछ आगजनी की खबरें भी सामने आ रही हैं, हालांकि इस पर भी अब मुतजाद बयान आ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि ये जो यहाँ पे आगजनी हुई है उसे कैदियों ने अंजाम दिया और कुछ का मानना है कि ये शेलिंग के नतीजे में यहाँ पर हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर अभी पुलिस का मानना है कि हालात नॉर्मल है, लेकिन जेल के बाहर की अगर हम बात करेंगे, कुछ एक इलाकों में डाउनटाउन समेत अभी जो इंटरनेट की स्पीड है उसको कम किया गया और उसके साथ साथ जो डाउनटाउन के एरियाज है वहां पर आज रिस्ट्रिक्शंस जो है आज इम्पोज की गई है। हिलाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर तामीराती काम कुछ उसकी वजह से और पहले जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक भी इस तरह की कोई बात सामने आई थी, ताहम बाद में ये भी बताया गया कि कुछ कैदियों को शिफ्ट करने की, दूसरी जगह मुंतकिल करने की भी खबरें सामने आई थी, जिसके बाद ये तमाम चीजें हुई। क्या इस हवाले से कोई अपडेट मिल पाया है पुलिस की तरफ से या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से?
देखिए ऑफिशियल की जानब से अभी कुछ नहीं बताया जा रहा है, बल्कि हमने भी जब कोशिश की पुलिस या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कि असल वाकया क्या है और ताकि इससे तस्दीक हो जाए खबर की कि असल में क्या मामला हुआ था, तो उस पर उनका यही मुख्तसर अल्फाज में उनका यही जवाब होता है कि हम अभी मामले को देख रहे हैं और की तहकीकात कर रहे हैं और उसके बाद खुद जो है एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया में आ जाएगी। लेकिन फिल वक्त तक खबर जो हमने बताई कि कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उसके नतीजे में ये सारा मामला पेश आया, तो उसी पर कहीं ना कहीं हां के इशारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सर हिला रही है। और अगर दूसरी जानिब देखा जाए जेल के अंदर इस तरह के हालात पैदा होना कितना बड़ा चैलेंज है खुद फोर्सेज के लिए या हुकाम है, क्योंकि जेल के अंदर अगर इस तरह होता है तो अगर कोई कैदी बाहर निकल आता है या कुछ इस तरह की कोई हरकत होती है तो ज्यादा परेशानियां भी हो सकती हैं हुकाम के लिए। देखिए ये बिल्कुल इंतहाई हसास मामला था क्योंकि इस तरह का वाका पेश आना और वो भी जेल के ज्यूरिडिक्शन के अंदर, और इसमें एहतमाल रहता कि यहाँ से कैदी भाग भी जाते क्योंकि जो हालात यहाँ पे बने टियर गैस शेलिंग की गई है और उसके साथ साथ जो सिचुएशन बनी थी दोस्तों इस दौरान, जिनकी इससे पहले भी हमने देखा कि इस तरह के वाकात हुए हैं, चाहे बारामूला जेल की बात करें वहां किस तरह से मोबाइल फोन अंदर चले गए, सिक्योरिटी लैप्स जो हुआ था, तो इस वजह से अगर सेंट्रल जेल की बात करेंगे तो यहाँ इस तरह के हालात पैदा होने से बहुत ज्यादा मौका था कि यहाँ से जो कैदी है वो फरार हो सके, लेकिन फिर भी इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी जो है अच्छी तरीके से ड्यूटी निभाई और किसी भी इस सूरत हाल के बावजूद भी उन्होंने कैदियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। हालांकि इस कश्मकश में बताया जा रहा है कि यहाँ पर दो कैदी जो है वो जख्मी हुए हैं। तो क्या बाहर भी कोई तालीमी इदारों पे या दफातर पे इसका कोई असर पड़ा है? देखिए बाहर चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि जो कुछ यहाँ पे जख्मियों के कैदियों के जख्मी होने की खबर जो सामने आई है और वहाँ पे टियर गैस शेलिंग की जो खबर सामने आई है, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि शायद इसका असर जो है आज जुमा है नमाज के पेश नजर जो बाकी रेजिडेंशियल एरिया है खासतौर पर जो डाउन टाउन का एरिया वहां पर उन्हें लगा कि शायद इसके जो है रिएक्शन आ सकता है, तो इस वजह से उन्होंने आज वहां पर रिस्ट्रिक्शंस का जो है इम्पोज किया ताकि जो ज्यादातर लोग वहां पे ना जा पाए, और माना जा रहा है कि जो जामिया मस्जिद श्रीनगर है उसके इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया और उसे लॉक किया गया है और शायद आज वहां पर नमाज जुमा भी अदा नहीं की जा सकती है, और उसके साथ साथ जो इंटरनेट सर्विसेज है उनकी जो उसकी जो स्पीड है उससे भी रिड्यूस किया गया है और 128 केबीपीएस के हिसाब से 2G स्पीड अब जो है डाउनटाउन समेत कुछ दूसरे इलाकों में भी जारी है। चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सेंट्रल जेल श्रीनगर में देर रात इस तरह के हालात बने जहां आगजनी की भी एक वारदात सामने आई जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उसके साथ साथ सेंट्रल जेल के बाहर के भी हालात जहां पर इंतजामिया की तरफ से एहतियातन सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम तो किए गए हैं लेकिन एहतियातन पाबंदियां भी आयद की गई हैं कुछ एक इलाकों में ताकि आज शुक्रवार भी है और ऐसे में कोई एहतजाजी मुजाहिरा ना हो, हालात पुरतनाव ना हो, हालात काबू में रहें, इसलिए इंतजामिया की तरफ से इकदाम उठाए गए। और देर रात खबर ये मिली थी कि एक बैरक को दूसरी जगह बैरक मुंतकिल किया जा रहा था जिसके बाद कुछ बहस मुबाहिसा हुआ और कैदियों की पुलिस के जवानों के साथ इसी दौरान झड़प हुई, तहम इसका असर अब बाहर भी देखा गया है लेकिन हालात फिलहाल पुरअमन है और इंतजामिया की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि मजीद इस तरह का कोई वाका पेश ना आए या अफवाहों से बचा जाए। इसके लिए इंटरनेट की खिदमात जो है उसकी रफ्तार भी फिलहाल इंटरनेट की कम कर दी गई है। जनूबी कश्मीर की जिला कुलगाम के चवल इलाके में आज सुबह एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें आईटीबीपी के 3 जवान जख्मी हुए हैं। खबरों के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब आईटीबीपी जवानों से भरी बस के ड्राइवर के काबू से बाहर निकलकर सड़क के किनारे पलट गई। मकामी लोगों की मदद से जख्मी जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है और इलाज जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी मुसलसल बरकरार है। देर रात भारत पाक अफवाज के दरमियान एक बार फिर गोलीबारी का तबादला हुआ जिसमें अब तक 2 शहरी जख्मी हुए हैं। इस तरह जख्मी होने वालों की तादाद पिछले 4 दिनों में 30 तक जा पहुंची है। पाकिस्तान की जानिब से कल देगवार और शाहपुर सेक्टरों में फौजी चौकियों के साथ साथ आबादी वाले इलाकों को भी मोर्टारों से निशाना बनाया गया जिसके नतीजे में एक खातून समेत 2 शहरी जख्मी हुए। वहीं जिला इंतजामिया ने हालात के मद्देनजर आज 5वें रोज भी तालीमी इदारों को बंद रखने के अहकाम सादिर किए हैं। दूसरी जानिब गोलीबारी से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल हुई हैं और आइंदा अहकाम तक ट्रेड को मुअत्तल ही रखा जाएगा। सरहद पर जारी कशीदगी में अब तक 30 आम शहरी जख्मी हुए हैं जबकि
बीएसएफ के एक अफसर समेत 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से शाम के टाइम से सीज फायर वायलेशन किया गया, उसमें हमारे जो है 2 लोग की अपने चेक होने की खबर है। तो इससे एक जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ चुका है और एक कौन से एरिया में सर, ये बेसिकली हमारा जो देखवार पटियाला एरिया, नूरकोट, कटनकोट, ये जो एरिया है, इवन दलाल वगैरह, ये सब जो हमारा एरिया है, ये शैलिंग की जद में आया है। जो भी इंजर्ड है उनको अभी रेड क्रॉस से जो है 5,000 प्रोवाइड किया गया फौरी तौर पर उसके इलाज। मजीद तफसीलात के लिए जमशीद मलिक हमारे साथ हैं। जमशीद, क्या ताजा सूरत हाल है? देर रात तक गोलीबारी जारी रही और इस वक्त सरहदी इलाकों के क्या हालात हैं? जी, इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात पहले कल के मुकाबले आज बहुत बेहतर है, क्योंकि आज गोलाबारी का सिलसिला नहीं थमा हुआ है इस पूरे इलाके में। मगर जिस तरह कल देर शाम को एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से खड़ी करमारा सेक्टर में गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें 2 आम शहरी फिर जख्मी हुए हैं गोलाबारी के बाद, और जिसमें हमने देखा भी है कि वो लोग जो जख्मी लोग थे इनको ऑटो में लाया गया है जिला अस्पताल पूंछ तक, जहां उनके तबी इमदाद के बाद एक को फौरी जम्मू रेफर कर दिया गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात पेचीदा बने हुए हैं। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इस तरह के जिला इंतजामिया की तरफ से इकदाम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जख्मी लोगों को या तो आम लोग निकाल के ला रहे हैं, या कल जिस तरह हमने देखा ये दोनों जख्मियों को ऑटो में लाया गया जिला अस्पताल। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको आसिफ जी बताता चलूं कि कल के बाद जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, इस गोलाबारी की रेंज को अब मजीद बढ़ा दिया गया है। जो कस्बा के नजदीक ही एक बतार नाला पड़ता है, इस नाले तक भी अब पाकिस्तान की शेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, जो काफी तश्वीशनाक है, क्योंकि इस नाले के सामने एक बहुत बड़ी आबादी है और पूरा एक मोहल्ला है जिसको हम पुरानी पुंछ इलाका कहते हैं। इस इलाके तक भी अगर पाकिस्तान की शेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया तो ये हालात आने वाले दिनों में मजीद ज्यादा खराब होने के इम्कान है। वहीं जिला इंतजामिया ने हालात को देखते हुए कल ही पहले ही 0 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तमाम तालीमी इदारों को 5वें रोज भी बंद रखने के हुक्म सादर किए थे। मगर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह मुतासर हो रही है और आम जिंदगी भी पूरी तरह मुतासर हो रही है। आम जिंदगी और उसके साथ साथ तालीमी इदारों में कामकाज ठप है। अगर दूसरी जानिब बात करें तो ट्रेड भी मुतासर हुआ है। इंतजामिया की तरफ से क्या मजीद कोई फैसला लिया गया है? आज ट्रेड वापस रिज्यूम हो सकता है या फिलहाल आज भी मुअत्तल रहेगी? जी, आज 4th रोज है ट्रेड का जो मुअत्तल पड़ा हुआ है और इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि इसी सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से लगातार गोलाबारी का सिलसिला जारी है। जब मंगल से शनि से शुक्र तक ये 4 रोज ट्रेड होता है, आज 4th रोज है इसका, 4 दिन इस ट्रेड लगातार चलता रहता है, मगर आज 4 रोज हो गए इस ट्रेड को बंद पड़े हुए, क्योंकि लगातार इसी सेक्टर में गोलाबारी हो रही है। इस हवाले से हमने इंतजामिया से जब बात की तो उन्होंने कहा था हालात को देखते हुए ही आगे ट्रेड को दोबारा शुरू किया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस सेक्टर में काफी हालात खराब है और ऐसे हालात में ट्रेड होना मुश्किल है। और 4 दिन से ट्रेड जिस तरह बंद पड़ा है, इस तरह इन लोगों का भी, जो यहाँ के ताजिर हैं, इनका भी ये कहना है कि मसले को बातचीत से हल किया जाए ताकि यहाँ के ताजिरों को नुकसान न उठाना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर सरहदी इलाकों में गोलीबारी, पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है और इसका सीधा असर अब तक 30 शहरी पिछले 4 दिनों में जख्मी हो चुके हैं, 3 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। वहीं दूसरी जानिब जहां तालीमी इदारों में कामकाज आज भी मुतासिर हुआ है, साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सड़क के जरिए पुंछ, रावलाकोट, चकंदाबाग सेक्टर से जो ट्रेड होता है, तिजारती सरगर्मियां हैं, वो भी आज एक बार फिर 4th रोज मुअत्तल है। इधर किश्तवाड़ में पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जंगल से कुछ हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक फोर्सेज ने मिल्टनटू की एक कमीनगाह को तबाह किया है, जिससे एक पाकिस्तानी राइफल व कुछ राउंड गोलियां भी बरामद हुई हैं। ताहम इस मामले में भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने इस मामले में मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। हमारे पास इनपुट आया था कि दक्षिण बड़वा के एरिया में कुछ हाइड आउट है जहां पर कि मिलिटेंट्स ने अपने हथियार छिपाए हुए हैं। तो उसी इनपुट के ऊपर हमारी एसओजी की पार्टी वहां पर गई थी, उन्होंने आर्मी की भी मदद ली थी और वहां पर जाकर के उस हाइड आउट को बस्ट किया है। वेपन उसमें जो हमें मिला है उसको जब हमने चेक करवाया तो वो हैटलर कोच, इसका हमसे G3A3 ये वेपन है और जो कि पाकिस्तान आर्मी में उसको यूज किया जाता है। और उसके अलावा हमें कुछ राउंड हैं उसी वेपन के और बाकी AK के भी कुछ राउंड हैं और ग्रेनेड है, पाउच है,
ऐसा लगता है कि किसी मिलिटेंट का वो सामान था जो कि वहां पर हाई रोड में रखा गया था। सर, इलेक्शन के टाइम में ऐसी रिकवरी होना तो एक नई चैलेंज सामने आ गई है पुलिस की। मुझे लगता है कि रिकवरी हो गई है, हमारे लिए थोड़ा रास्ता भी और आसान हो गया है, पर यह है कि और कोई अगर ऐसे हाइड आउट है तो उसके लिए हम अपनी टीम्स लगातार भेज रहे हैं ताकि मिलिटेंट्स यानीज किसी भी अपनी ऐसी नाकाम जो उनकी कोशिशें हैं वो कहीं कामयाब ना हो जाए, वो हम पूरा का पूरा। इधर जम्मू से लगने वाले कटरा में कल से फौज और पुलिस की जानिब से मुश्तरका तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। तलाशी कार्रवाई कुछ मुश्तबे अफराद को देखे जाने के बाद शुरू की गई। इत्तलात के मुताबिक मकामी लोगों ने एक नकाबपोश शख्स को हथियारों के साथ देखा और इसके बाद पुलिस को मुतल्ला किया गया। पुलिस ने सिक्योरिटी सूरतहाल को बेहतर बनाने में अवाम से तआवुन की अपील की है। वहीं नकाबपोश नौजवान को देखे जाने के बाद इंतजामिया की जानिब से कटरा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इधर जम्मू शहर की सबसे पुरानी नहरों में से एक जम्मू पुंछ शाहरा के करीब बहने वाली नहर इंतजामिया की जानिब से इस नहर पर तामीराती काम चल रहा है, ताहम नहर में साफ सफाई का निजाम अभी भी बदतर है, जिसे लेकर अवाम ने इंतजामिया से नाराजगी का इजहार किया। मकामी लोगों के मुताबिक बैसाखी का त्यौहार नजदीक है, ताहम अभी भी नहर का काम मुकम्मल नहीं किया गया, जिससे त्यौहार के मौके पर किसानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लोगों ने इंतजामिया से नहर में सफाई के निजाम को बेहतर बनाने पर जोर दिया। बैसाखी के बिल्कुल नजदीक टाइम आ चुका है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई ज्यादा सफाई वगैरह नहीं हुई है, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने कोशिश की है। यहाँ पे जब बैसाखी का मेला आता है तो यहाँ पे काफी चहल पहल होती है, बहुत बड़े मेला का आयोजन यहाँ पे होता है। कहना चाहता हूँ डिपार्टमेंट को कि आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी इसका काम। इधर जम्मू और सांबा जिले से जुड़े मुख्तलिफ इलाकों में जहां पहले ही मौसमी हालात के बायस किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी जानिब अच्छी पैदावार करने वाले किसानों को भी फसल के मुनासिब दाम न मिलने से भी नुकसान हो रहा है। किसानों के मुताबिक गुजश्ता बरस से अगरचे इस बार फसल की बेहतर पैदावार हुई थी, ताहम मंडियों की कमी और व्यापारियों की मनमानी की वजह से इन्हें मेहनत करने के बावजूद भी फसल के मुनासिब दाम नहीं मिलते, जिससे हर बार इनका नुकसान हो रहा है। किसानों ने रियासती गवर्नर इंतजामिया से जम्मू में भी मंडियां कायम करने का मुतालबा किया ताकि इन्हें इनकी मेहनत का फल नसीब हो। कणक की फसल है जी, बड़ी चंगी अच्छी फसल हुई है कि ऐसी बड़ी ज्यादा फसल हुई है कि वह मंडियों में साढ़े इतने कोई मंडियां नहीं लगदिया है ते नहीं इतने कोई गाहक आता है मतलब खरीदने से, इस कारण जी सारी फसल है ये कोई मंडियां लगन चाहे मतलब के गवर्नमेंट ही भरा खरीदे तो अस मतलब के ठीक समझ रहे। कई लोग ने जोड़े खरीदते हैं तो घट बड़ी घट रेट कने खरीदते ये चाहते अस असें आखने गवर्नमेंट मतलब के खरीदे कनक तो अस मतलब के ठीक है। फसल के बारे च ये चाहते हैं कि इस साल सानू बड़ी खुशी है कि जिनी भी कणक है लगभग 99% है जी बड़ी अच्छी फसल है साढ़े इतने जम्मू बिच, लेकिन कन्ने कन्ने अस खुश भी हैं तो उदे कन्ने गै अस दुखी भी हैं। दुखी इस गल्ला कि साढ़े इधर जिन्ने भी व्यापारी ने वो लगभग लगभग लोकल लोग न, तो लोकल लोग अपना रेट देंगे सानू बिल्कुल डाउन रेट, मेहनत कर करके अही मर जाने जिमीदार लोग, तो ये लोग है जेडे ये सानू अच्छा रेट नहीं देंगे। तो अस चाहते हैं जी सरकार है वो पंजाब लैवल उपर इतें भी जम्मू बिच भी मंडियां स्थापित करे ताकि सानू अच्छा रेट मिले, गवर्नमेंट का रेट मिले। उस तो बाद अगर वह रेट नहीं देंगे, नहीं मंडी खोलते, तो अस वो कन्ने ज़्यादा दुखी होंगे, सानू परेशानी होंगी है। तो आज का वास्ते सानू के गवर्नमेंट सुनाग भाई अच्छी फसल होनी चाहिए, जे होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब सानू झूठे वायदे करते हैं, तो उन्हें वायदे कन्ने अस खुश नहीं है। अस चाहते हैं कि पंजाब लैवल उपर जियां मंडियां लगदियां इतने भी लगन तो सानू अच्छा रेट थोए, उस तो बावजूद अगर नहीं खोलते इतने मंडियां गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल फिरोजपुरा टंगमर की दो मंजिला इमारत गुजश्ता चार बरसों से छत के बगैर तशनत का सामना करना पड़ रहा है। खबरों के मुताबिक स्कूल पर लोहे का छत न लगने से वीरान पड़ी इमारत, जिसके बाद इन बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
वाजह रहे कि गुज़श्ता साल महकमा एजुकेशन के सेक्रेटरी ने हाई स्कूल फिरोजपुरा का दौरा करके ऐलान किया था कि जल्द इमारत का काम शुरू कर दिया जाएगा और इसे पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। ताहम ऐलान के बावजूद भी स्कूल इमारत जूं की तूं पड़ी है। इधर बॉयज हाई स्कूल फिरोजपुरा में जेरे तालीम बच्चों के वालिदैन ने भी महकमा तालीम से स्कूल इमारत फौरी तौर मुकम्मल कराने का मुतालबा किया। हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं लेकिन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इस बिल्डिंग की नौ सालों से कंस्ट्रक्शन चल रही है लेकिन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट ही नहीं होती। इसका जो छत है हमें बाहर पढ़ना पड़ता है, कभी बारिश होती है कभी बर्फ भी बाहर पढ़ना पड़ता है। गवर्नमेंट बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका कुछ फायदा ही नहीं है। यहाँ पे वॉशरूम में यहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं के यहाँ पे नाते में यहाँ पे गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ। जो यहाँ पे हमारी बिल्डिंग पड़ी है ऐसे ही न खिड़कियाँ हैं न छत हैं, पिछले 3-4 साल से ऐसे ही पड़ी है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने बहुत इसके लिए पैसे एलोकेट किए थे, आरएनडी भी इसको बना रही थी लेकिन उन्होंने इसको अधूरा छोड़ दिया। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इंतखाबात के पेश नजर जहां सियासी जमातें अपनी चुनावी मुहिम में दिन ब दिन तेजी ला रही हैं, वहीं दूसरी जानिब कालाबाजारी भी शबाब पर है। इलेक्शन कमीशन ने पिछले कुछ दिनों के अंदर ही इस कालाबाजारी पर नकेल कसने की कोशिश की है, ताहम अब तक इलेक्शन कमीशन को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस रिपोर्ट में देखिए, देश में शुरू हुआ अवैध लेन देन का कारोबार, चुनाव के दौरान बड़ी काले धन की कालाबाजारी, चुनाव आयोग ने नकदी शराब नशीली दवाइयां की जब्त, चुनाव आयोग ने कसी अवैध धंधों पर नकेल, भारत में जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है वैसे ही अवैध और काले कारनामों का काम शुरू हो जाता है। अंदर खाने नेताओं और गुंडों के बीच डील होने लगती है, बिजनेस व्यापारियों से वसूली होने लगती है और टिकट लेने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। वोटरों को किसी भी तरह से लुभाया जा सके उसका पूरा खेल रचा जाता है। मतदाता चाहे किसी भी तरीके से पार्टी को वोट दें, उसकी पूरी तैयारी की जाती है और फिर शुरू होता है चुनावों के दौरान काले कारनामे का खेल। करोड़ों की नकदी, अवैध शराब, नशीली दवाओं और न जाने किन किन तरीकों से अवैध धंधों की शुरुआत होती है और शुरू हो जाता है वोटों की खरीद का सिलसिला। चुनाव के दौरान भारत में हमेशा अवैध काम शुरू हो जाते हैं, हालांकि चुनाव आयोग अपनी पैनी नजर हर तरफ बनाए रखता है। चुनाव आयोग को भी पता है कि राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए कभी नकदी तो कभी शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही टिकट पाने के लिए उम्मीदवारों द्वारा भी करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। यही कारण है कि पहले चरण के चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चुनाव आयोग की कार्रवाई के दौरान अभी तक 377 करोड़ रुपए नकदी, 157 करोड़ रुपए मूल्य की शराब और 705 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं मिल गई हैं। आपको बता दें कि यह आंकड़ा आचार संहिता लागू होने के बाद से ही की गई कार्रवाई का है, जिसमें देश के हर राज्य से बरामद किए गए रुपए, शराब और नशीली दवाएं शामिल हैं। इन सभी चीजों का चुनाव में इस्तेमाल के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा था, हालांकि इसके पहले कि इसका इस्तेमाल हो पाता इस अवैध काम पर चुनाव आयोग की नजर पड़ गई। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अभी भी केवल कुछ ही दिन बीते हैं, अभी तो सातों चरणों के चुनाव होना बाकी है। हालांकि इन आंकड़ों को देखकर तो आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव के दौरान देश में अवैध काले बाजार का सिलसिला शुरू हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। अभी तक के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबान।